हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, बात करें तो रेडमी नोट 10 सीरीज़ जी हाँ 4 मार्च को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। लेकिन जब कभी भी स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो उससे पहले काफ़ी सारे लीक्स रूमर्स वगैरह आते हैं, जिससे हमें ये मालूम चल जाते थे। तो चलिए, ये स्पेसिफिकेशन वगैरह है, ये हमें इस फ़ोन में देखने को मिलने वाला। लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे रेडमी नोट 10 सीरीज़ के साथ उल्टा ही होता है, मतलब हमेशा वो कन्फ्यूज़ ही करते हैं। तो इस बार भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, लेकिन स्टिल यहाँ पे कुछ लीक्स एंड रूमर्स निकल के आए अबाउट रेडमी नोट 10 सीरीज़ के बारे में। तो आज की वीडियो में उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एज वेल एज मुझे सपोर्ट करने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो इतना तो कंफर्म हो चुका कि यस, रेडमी नोट 10 सीरीज़ में 3 ही स्मार्टफोन्स हमें देखने को मिलने वाले फिलहाल। मतलब अगर आप देखोगे नोट 10, नोट 10 प्रो एंड नोट 10 प्रो मैक्स, तो ये 3 स्मार्टफोन आने वाले, ये कंफर्म है। इसके अलावा बारी बारी से इन 3 स्मार्टफोन्स की कुछ रूमर्स एंड लीक्स के बारे में बात करेंगे, मतलब स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे रेडमी नोट 10 से। तो अगर आप देखोगे तो फिलहाल यहाँ पे रिसेंटली फिलीपींस के एक वेबसाइट में रेडमी नोट 10 का बॉक्स लीक हुआ था, जी हाँ दोस्तों, और उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो इसका मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेडमी नोट 10 या नोट 10 प्रो, जहाँ पे मतलब पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि IPS LCD डिस्प्ले के साथ फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला, लेकिन अब ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मे बी सुपर एमोलेड डिस्प्ले हमें रेडमी नोट 10 से ही देखने को मिले, मे बी नॉर्मल मतलब रेट के साथ ही आ जाए, मतलब 60 हर्ट्ज़ के एमोलेड डिस्प्ले के साथ आए। लेकिन एक अच्छी बात रहेगी कि अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले आए तो काफ़ी अमेजिंग होगा, और जिस प्राइसिंग में निकलेगा मेरे ख्याल से वो भी किलर ही होने वाला है मेरे ख्याल से। एंड इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैमरा के बारे में कन्फर्म हो चुका है कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको पीछे की तरफ 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है। सेल्फी कैमरा कितना है ये अभी तक मालूम नहीं चला है, मे बी 20 मेगापिक्सल का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, मतलब पिछले जो नोट सीरीज़ के स्मार्टफोन्स में अगर आप देखोगे तो। एंड इसके अलावा फास्ट चार्जिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 22 वाट का फास्ट चार्जिंग हमें देखने को मिल सकता है, एज वेल एज 5050 मिली एम्पेयर की बैटरी आने वाली है यहाँ पे नोट 10 में। और इसके अलावा अगर आप देखोगे प्रोसेसर के बारे में काफ़ी बड़ी डिटेल निकल के आई है कि कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन का 678 वाला प्रोसेसर हमें देखने को मिल सकता है, जी हाँ दोस्तों, नोट 10 में। और एज वेल एज अगर आप देखोगे यहाँ पे वेरिएंट के बारे में तो यहाँ पे स्टार्टिंग वेरिएंट होने वाला है 4GB 64GB, देन दूसरी वेरिएंट होने वाली है 6128, एंड तीसरी मे भी आ सकती है, यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है, सॉरी 664 दूसरी होने वाली एंड तीसरी होने वाली 6128GB। तो ये कुछ अभी सीनेरियो है रेडमी नोट 10 सीरीज़ के बारे में, फिलहाल ये कुछ लीक्स एंड रूमर्स निकल के आया हुआ है। एज वेल एज कलर वेरिएंट की बात करूँ तो कहा जा रहा है कि रेडमी नोट 10 में आपको ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन कुछ इस तरीके का कलर देखने को मिलने वाला। अब ये मालूम नहीं कि ओरा ब्लैक होगा या फिर ओरा ब्लू होगा या फिर ओरा ग्रीन, मतलब जो मतलब अजीब अजीब नाम देते हैं ना शाओमी वाले, अगर आप देखोगे पिछले मतलब अगर आप देखोगे पिछले नोट 9 सीरीज़ में उन्होंने कुछ इस तरीके का नाम दिया था, तो या फिर सिंपल से कलर में आएंगे ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि कलर वेरिएंट कुछ इस तरीके का होने वाला है यहाँ पर रेडमी नोट 10 में। तो दोस्तों ये तो बात होगी रेडमी नोट 10 के बारे में, अब बात करते हैं यहाँ पे नोट 10 प्रो में क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू रूमर्स इसमें भी हम कह सकते हैं कि इसमें भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे रेडमी नोट 10 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले आया तो ऑफकोर्स इसमें भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि मे बी 90 हर्ट्ज़ की फर्स्ट रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल सकता है, तो ये तो काफ़ी अमेजिंग बात हो जाती है। इसके अलावा कैमराज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कन्फर्म है कि 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है, एज वेल एज सेल्फी कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो मे भी 32 मेगापिक्सल के साथ आ सकता है, अभी स्टिल कंफर्म नहीं है, लेकिन रेयर कैमरा कंफर्म है। इसके अलावा बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो कहा जा रहा है यहाँ पे 5050 मिली एम्पेयर की बैटरी आने वाली है, एज वेल एज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें जो फास्ट चार्जिंग होने वाला वो ज़्यादा हाई होने वाला, तो मे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 33 वाट की फास्ट चार्जिंग हमें देखने को मिल सकता है। एंड प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको क्वालकॉम का 732G वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, अब ये एक 4G प्रोसेसर है, जी हाँ दोस्तों, ये कोई 5G प्रोसेसर नहीं है। तो यहाँ इसका मतलब ये कि रेडमी नोट 10 प्रो में भी आपको 4G प्रोसेसर ही देखने को मिलने वाला है। एंड इसके अलावा अगर रैम वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 6GB 64GB के साथ स्टार्ट होने वाला है, और 6128 आपको देखने को मिलने वाला है, एज वेल एज कहा जा रहा है कि 8128 देखने को मिल सकता है। एंड कलर वेरिएंट की बात करें तो वही जो सेम नोट 10 में आपको देखने को मिल रहा है, तो वही सेम नोट
10 प्रो में भी सेम कलर वेरिएंट आने वाला है, ब्लैक ब्लू एंड ग्रीन। तो अभी तक अगर रिमार्क्स के हिसाब से, मतलब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो कुछ इस तरीके का है यहाँ पे फिलहाल नोट 10 दोस्तों। प्रो यहाँ पे नोट 10 प्रो मैक्स के साथ कुछ ऐसा सीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर नोट 10 प्रो मैक्स के स्पेसिफिकेशन बाहर आ चुके हैं। एंड एज वेल एज अगर आप देखोगे, दीज आर द कन्फर्म स्पेसिफिकेशन। लाइक अब सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो आएगा ही इसमें, और कहा जा रहा है कि मे बी 120 हर्ट्ज़ के फर्स्ट रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 120 हर्ट्ज़ के साथ भी नहीं आया तो 90 हर्ट्ज़ के साथ तो आएगा ही, क्योंकि इसमें कन्फर्म है कि हायर रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कहा जा रहा है 5100 मिली एम्पीयर की हमें बैटरी देखने को मिल सकती है। एज वेल एज इसमें भी फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलने वाला है, और टाइप सी होने वाला है, 3.5 mm जैक होने वाला है। हाँ, 3.5 mm जैक तीनों ही फोन्स में आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन कैमरास की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो ह्यूज, मतलब अमेजिंग कैमराज होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें कन्फर्म हो चुका है कि 108 मेगापिक्सल का आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है। स्टिल हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि मे भी शायद 108 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा के साथ ही आए, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें देखने को ना मिले। लेकिन स्ट्रॉन्ग लीक्स, मतलब 95% आप यहाँ पे कह सकते हो कि 108 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा के साथ आने वाला है। एज वेल एज अगर आप देखोगे यहाँ पे सेल्फी कैमरा की, अभी तक यहाँ पे कंफर्म नहीं है, मे बी इसमें भी 32 मेगापिक्सल का हमें देखने को मिल सकता है। एंड प्रोसेसर की बात करें तो इसमें भी यहाँ पे लगभग कंफर्म है कि मे बी 765G और 768G क्वालकॉम का, दोनों में से कोई एक आ सकता है, और दोनों ही यहाँ पे 5G प्रोसेसर है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स तो एक 5G फ़ोन लेने वाला है। इसके अलावा अगर वेरियंट की बात करें तो इसमें स्ट्रेट अवे अगर आप देखोगे तो 6GB 128GB एंड 8GB 128GB ये दो वेरियंट के साथ हमें देखने को मिल सकता है। एज वेल एज इसमें कहा जा रहा है कि एंड्रॉयड 11 आपको देखने को मिलेगा। नोट 10 एंड नोट 10 प्रो में मे भी हमें देखने को मिल सकता है एंड्रॉयड 11, आई डोंट नो, लेकिन प्रो मैक्स में आपको एंड्रॉयड 11 के साथ ही आने वाला है। एज वेल एज MIUI 12 आपको तीनों ही फ़ोन्स में देखने को मिलने वाला है, ये मैं बताना भूल गया था नोट 10 एंड नोट 10 प्रो के बारे में। तो मतलब लगभग अगर आप देखोगे तो सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। इसके अलावा रैम वेरिएंट के बारे में मैं बताऊँ तो कहा जा रहा है कि UFS 2.1 आपको देखने को मिलने वाला है, LPDDR4X रैम आपको देखने को मिलने वाला है, और अगर आप देखोगे तो ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और मे भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट शायद नहीं आ सकता, क्योंकि तीनों ही फ़ोन्स में कहा जा रहा है कि साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट आ सकता है। अगर आप यहाँ पे सुपर एमोलेड दे रहे हो तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि नोट 10 प्रो मैक्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आना चाहिए। हालांकि दो फोन्स में अगर ना ही आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रो मैक्स में आई वुड एक्सपेक्ट कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट यहाँ पे दे दे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो प्राइसिंग, मतलब नोट 10 सीरीज, मतलब नोट सीरीज ही यहाँ पे जाना जाता है एग्रेसिव प्राइसिंग एंड गुड स्पेसिफिकेशन के साथ। चाहे आप नोट 5 ले लो या फिर नोट 6, तो उतना चला नहीं, लेकिन नोट 7, नोट 7 प्रो, नोट 8 की अगर मैं बात करूँ, एज वेल एज नोट 9 सीरीज की मैं बात करूँ, तो एग्रेसिव प्राइसिंग में एक अच्छे स्पेसिफिकेशन उन्होंने लाया। और अगर फिलहाल अगर आप देखोगे नोट 10 सीरीज की प्राइसिंग, सॉरी स्पेसिफिकेशन, काफ़ी अमेजिंग लग रही है। तीनों फोन्स में काफ़ी अमेजिंग स्पेसिफिकेशन निकल के आया है। और प्राइसिंग की बात करूँ तो दोस्तों इस बार तो लग रहा है कि मे बी नोट 10 सीरीज की स्टार्टिंग प्राइसिंग ही हमें 15,000 से देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिकेशन देखोगे तो काफ़ी अमेजिंग है। ज़्यादा अगर गया हुआ मतलब रेडमी वालों ने ट्राई किया तो मे बी 13,000 में लाना तो क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन लाते तो इट वुड भी काफ़ी अमेजिंग। अगर नोट 10 13,000, नोट 10 प्रो की अगर मैं बात करूँ तो जो बेस वेरिएंट की प्राइसिंग उसकी 15,000, एंड प्रो मैक्स की अगर मैं बात करूँ तो उसकी यहाँ पे 17,000-18,000 के आसपास हो, तो काफ़ी अमेजिंग हो सकता है। लेकिन स्टिल अब ये तो हमें 4 मार्च को ही मालूम चलेगा। अगर 13,000 में आता तो इट वुड भी काफ़ी अमेजिंग। बाकी आप लोगों की क्या थॉट से मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोग क्या चाहते हो कितनी प्राइसिंग में यहाँ पे नोट 10 सीरीज लॉन्च होनी चाहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एज वेल एज मुझे सपोर्ट करने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।